I have to win this one. क्या हो गया भाई मेरा? मतलब 2 महीनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ मैं, और अभी हम लोग है बैंगलोर में। हम कैसे आए बैंगलोर ये सवाल पूछना मत, बट अभी हम लोग आए हैं बर्नआउट को कार्टिंग करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं को कार्टिंग का एक्सपीरियंस है, और हम सब कजन्स लोग के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस देने वाले हैं। तो या अभी अंदर जाते हैं और सब बर्नआउट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गो कार्टिंग का ट्रैक है, छोटा है, मतलब मीडियम जैसा हम बोल सकते हैं। कैसा है मीडियम, छोटा बड़ा? इससे ज़्यादा फास्ट और डैशिंग कार है, वो स्लो चला रहा है वो अलग बात हो सकती है। तो अभी हम लोग इसका एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, तो रेट एंड ऑल भी मैं पूछ के आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग ने बुक कर लिया है 10 लैप्स का, यस गो कार्टिंग। हम 7 लोग हैं तो 7 लोग करने वाले हैं ये, तो हम लोग ट्रायल ले रहे हैं। बाद में मैं और फुरकान अलग से 10 लैप्स का करेंगे, लेट्स सी, वो एक मस्त एपिक रेस होगा। तो अभी ट्रायल यात्रा कर लेते हैं सबके साथ। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग ट्रैक पे आ गए हैं या, और अपना अपना गोप्रो भी रेडी रख लिया है या। तो अभी हमारा हेलमेट भी हो चुका है परफेक्ट रेडी, एंड अभी बस गो कार्टिंग पे बैठना है और मज़े लेना है गो कार्टिंग के। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ गो कार्टिंग, मतलब बचपन में किया है बहुत बार, बट बड़े होकर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द गोप्रो मोड। उसको कुछ ऐसा बैठना, ओके जैसा स्टेप होने वाला है। ए मैक्स फर्स्ट स्टेप इन हैमिल्टन, हैमिल्टन फर्स्ट स्टेप इन में हूँ। ओके तो पीछे सब लोग बैठ चुके हैं, टायर भी बहुत क्लोज है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये टायर है हमारे इधर, मतलब टायर भी इतने क्लोज है। राइट वाला एक्सेलरेटर, लेफ्ट वाला ब्रेक है। मैं बोलो का वेट कर रहा हूँ। ओके लेट्स स्टार्टिंग। क्रैश हो गया भाई मेरा, पीछे कैसे होगी? बहुत जल्दी आए भाई सबको की हुमेरा को कुछ 3 बार ओवरटेक किया सबको गिरा रहा था, ये क्रैश करा रहा था भाई सबको। मैं इसके वजह से क्रैश हुआ। हाँ वही लतीफी, कैसा एक्सपीरियंस? सबको क्रैश कराया वो एक्सपीरियंस बता दो। तो अभी मेरा और फुरकान का प्लानिंग है हैमिल्टन वर्सेस वर्स्ट चैंपियन करने का। सबको पता है हैमिल्टन को तो चुराया गया था टाइटल। फर्स्ट चैंपियन इज द वर्ल्ड चैंपियन, तो ऑब्वियसली बैंगलोर का भी चैंपियन ओवेस खान ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे
बट आई गेस अभी थोड़े लोग करने वाले हैं तो वो लोग के बाद ही हम लोग करेंगे। यस, वर्ल्ड चैंपियन की रेस अभी शुरू होगी। तो अभी हम लोग सब लोग इधर बैठे हुए हैं, कुछ खाएंगे बर्नआउट कैफे से। यहाँ पे कैफे भी है, पूल भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और उसके बाद मैं और फुरकान की रेस होने वाली है। हाँ वही वही गाड़ी। Everyone knows Mr. Bina. More work, less talk, bro. Okay. The rest you will see on the pitch, man. What, bro? Learning some trips, huh? 60 है मेरे को। 60 अच्छा, गाड़ी डिसाइड कर रहा है कि कौन सी फास्ट है, फुल एनालाइज कर रहा है फुरकान। मतलब अभी हम दोनों की रेस होने वाली है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर मस्त फोटोशूट का पॉइंट बनाया गया है एंड डेकोरेशन भी अच्छा है। नेक्स्ट अभी हमारा है, तो अभी नेक्स्ट मिलते हैं ग्रिड पे। चांसेस थे फुरकान को ओवरटेक करने के लिए, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी भगा लूँ, ब्रेक पे पैर नहीं रखूँ, मेरे पास 0.0001% चांस थे फुरकान को हराने के लिए। एंड फुरकान के पास थे 99.999% चांसेस रेस जीतने के लिए एंड बैंगलोर का चैंपियनशिप जीतने के लिए। बट आगे जो हुआ वो आप देख लीजिए। सो टेक्निकली आई एम द विनर, क्योंकि फुरकान का टायर आउट हो चुका था। टेक्निकली आई एम द विनर, टेक्निकली बाय लॉ ऑफ वर्स्टैपेन इज द विनर। वाओ, इसके ऊपर तो मैं ज्यादा समझे वो कोई कार रिटायर हो गई बट उसकी कार खराब। हां, कंट्रोवर्सी रेस एज ऑलवेज। अब इसका आखिरी आ लेता फास्टेस्ट लैप। चल फास्टेस्ट लैप, मोर वर्क लेस टॉक ब्रो। ओके, द रेस्ट वी विल सी यू ऑन द पिच मैन। लूजर just like Hamilton loss, जैसे Hamilton कैसे हरा था वही वैसे ही मैं जीता हूँ, because I'm a Verstappen supporter and he's a Hamilton supporter। हाँ वही इसका। ओह, ये कार का टायर ही पंचर हो गया था। That's how you lost the race। मेरे पास lead थी जो एंड करे ना, जैसे वर्स्टैपेन किया था। नॉट लाइक यू ब्रो, नॉट लाइक हैमिल्टन। या बट जैसा मैंने बोला था, ऑब्वियसली आई विल विन दिस रेस, आई वॉन द रेस। सिंगल कार्ड चला के बहुत मजा आ गया। कैसा लगा हर के चुपे? कंट्रोवर्सी ब्रो, टायर फट गया यार।